पढ़ाई में फेल, कैरियर में फेल, वो बंदा बिहार चलाएगा, क्या चलाएगा? रोजगार दिया नीतीश कुमार, उनका सिर्फ नाम आया, समझे ना। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, जो चिराग पासवान एक बार में 500 सीट ले सकता है, तो समझिए जनता क्या सोच, जनता पूर्वक तो नहीं है। युवा चेहरा तो आज के डेट में कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ही है। चिराग पासवान से तेजस्वी यादव कंपेरिजन करने लगे, पहले बोल दीजिए 10th क्लास पढ़ के डिग्री लेके आने के लिए। तेजस्वी यादव का बोली नहीं निकलेगा, तरबूजा को तरबूजा बोलते हैं ना, वो भी नहीं निकलेगा, बोली तक नहीं निकलेगा। अरे यार चिराग पासवान चिराग ले है यार, अंधेरा उजाला कर देगा बिहार में। लोकसभा चुनाव जो है समाप्त हो गया, एनडीए की सरकार जो है वो केंद्र में बन गई है। बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव होना है, दो युवा चेहरा, एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का नाम आ रहा है। हम अभी पटना जंक्शन पे हैं और लोगों से ही जानते हैं, आएगा चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव? चिराग पासवान। चिराग पासवान, तेजस्वी क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रोजगार दिए युवा का चेहरा, दिए रोजगार दिए नीतीश कुमार, उनका सिर्फ नाम आया, समझे ना। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, जो चिराग पासवान एक बार में 500 सीट ले सकता है, तो समझिए जनता क्या सोच, जनता पूर्वक तो नहीं है। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है, तो जनता की मर्जी चलेगी भैया, किसी नेता की मर्जी नहीं चलेगी। अब जनता ने बोला है कि भैया चिराग रहेंगे तो घर में रोशनी रहेगा, और जहाँ भैया आरजेडी सरकार आ गया तो फिर से वही कहानी जो पुराना माँ बहन रोती थी। जहाँ अगर राजद की सरकार, जहाँ जहाँ आरजेडी सरकार देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, बिहार की बेटी जल रही है, और एसपी साहब बोल रहे हैं कि आत्महत्या की है, मतलब सही से केस में पलटा जा रहा है, तो ही आरजेडी सरकार आएगा। भैया तेजस्वी को लाओ, देश को बचाओ, बिहार को बचाओ, आप बिहार में तरक्की चाहते हो तो, नहीं तो भैया बिहार बर्बादी चाहते हो तो आराम से तेजस्वी यादव लिया, ये कोई दिक्कत नहीं है, उनमें यही काम है। तेजस्वी या फिर चिराग, युवा चेहरा? युवा चेहरा तो आज के डेट में कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ही है, जो अपने 17 महीनों के कार्यकाल में 5 लाख यही चाचा के हाथों से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। यही चाचा कहते थे कि क्या अपने बाप कौन से नौकरी लाएंगे, तो चाचा के हाथों से ही नियुक्ति पत्र बंटवा दिया, तो तेजस्वी ही भविष्य है। तेजस्वी भविष्य है, तेजस्वी। ये देखिए खिचड़ी को बना दिए, सब मसाला डाल दिए, बना के परोस दिए, खाली बउआ बांट दो, ये को मतलब हुआ। एक मिनट, चिराग कहा राजा भोज, कहा गंगूतेली, चिराग पासवान, चिराग पासवान से तेजस्वी यादव कंपेरिजन करने लायक है, पहले बोल दीजिए 10th क्लास पढ़ के डिग्री लेके आने के लिए। अच्छा, पहले आप डिबेट करवा दीजिए दोनों में। चिराग पासवान जब इस तरह खड़ा होगा गमछिलाएगा ना, तेजस्वी यादव का बोली नहीं निकलेगा, तरबूजा को तकरबूजा बोलते हैं ना, वो भी नहीं निकलेगा, बोली तक नहीं निकलेगा, बोली नहीं निकलेगा, बोली नहीं निकलेगा। चिराग पासवान क्या कहते तेजस्वी यादव, कहाँ से कहाँ, जीरो से शुरुआत किया है, ग्राउंड लेवल से शुरुआत किया, परिवार टूट गया, पापा की मृत्यु हो गई, उसके बाद से 100% स्ट्राइक रेट रहा है। अरे फिर अब जगह पे जनता पहुंचा देगी 25 में। युवा चेहरा चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, भैया कोई दोनों में से ना कोई मेरा दोस्त है ना दोनों में से कोई मेरा भाई है, तो हम दोनों में से किसी का ना साइड लेंगे। अभी तेजस्वी यादव आ जाएंगे, ठीक है, अगर हम उनसे मिलने जाएंगे मारेगा गार्ड, एक लात भगा देगा, या मिलने जाएंगे चिराग पासवान से क्या बात करने देगा। लेकिन आप फिर भी दोनों में पूछ रहे हैं कि बेस्ट कौन है, तो मेरी राय है तेजस्वी यादव। अब रीजन पूछिए तो चलिए, कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों? अरे यार चिराग पासवान चिराग न है यार, अंधेरा को उजाला कर देगा बिहार में, आने वाला समय में 2000 झोपड़ी को जला दिए चिराग से, अपने झोपड़ी को जला देगा। चिराग जो है जात पात से उठ करके, परिवारवाद से उठ करके सभी जनों को लेकर चलने वाले हैं। उनके बहनोई विलास पासवान कौन? उनका पिताजी परिवार छूटे हैं, परिवार से जम्मू से, जम्मू से सांसद कौन है वो हम मुझे जानकारी। जीजा जी देखिए, उनके जीजा जी देखिए, चिराग और तेजस्वी बहुत आसमान का फर्क है, तो चिराग के संग तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। 2025 में आने वाला समय में चिराग मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, अब विकास को नैया बह जाएगा, विकास की नैया, हाँ विकास का नैया बहेगा। चाचा कहाँ जाएंगे? नीतीश चाचा, नीतीश चाचा साइड में हो जाएंगे वो, और उनका आराम से चाहे राज्यपाल बन जाए और चाहे राष्ट्रपति बन जाएंगे, बिहार में नहीं रहेंगे वो 25। ये लोग अनभक्ति में जी रहे हैं, 25 में दो ही चेहरा है बिहार में, एक नीतीश कुमार, एक तेजस्वी यादव, चिराग उराग कहीं नजर नहीं आ रहा बाजार में। मैट्रिक का डिग्री दिखाइए, वोट पाइए,
मैट्रिक का, मैट्रिक का डिग्री दिखाइए। जो बंदा एक मिनट, जो बंदा पढ़ाई में फेल, नौवा पास नहीं कर पाए, बाप थे उनके क्या मुख्यमंत्री बिहार के, क्रिकेट में फेल, दिल्ली कैपिटल के तरफ से गए खेलने के लिए, पानी वानी पिलाए दो तीन सीजन, उसके बाद से फिर चले आए यहाँ पे लौट के, पानी वानी पिलाए दो तीन सीजन, पढ़ाई में फेल, कैरियर में फेल, वो बंदा बिहार चलाएगा क्या? चलाएगा क्या? तेजस्वी या फिर चिराग? बिहार में दो युवा चेहरा, चिराग पासवान जी। तेजस्वी क्यों नहीं? रोजगार दिए तेजस्वी? हमारा रोजगार जो दिए ना, 17 महीना बराबर 17 साल, बहुत यहाँ डिबेट चल रहा था कि 17 महीना में जो 17 महीना में तेजस्वी जी जो रोजगार दिए हैं नौकरी, वो नीतीश जी 17 वर्ष में नहीं दिए, और बिहार के जनता ने वो 17 महीना का हवा निकाल दिया, वो रोजगार के हवा निकाल दिया। महिला से पूछिए, तेजस्वी जी ने एक चीज दिया है, बहुत लोग को दिया है, RJD का गमछा, बस उसके अलावा कुछ नहीं। RJD के गमछा दिए चिल्लाने के लिए, जो उनके लेवल का पढ़ाई किया वही उनके तरफ से बोलेगा। और 2025 विधानसभा चुनाव, दो युवा चेहरा, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कौन? दोनों में से चिराग पासवान। चिराग पासवान, तेजस्वी क्यों नहीं? अरे बाप चारा चोरी करके गैलन जेल, सरकार बनावे निकल बेटा ना, वही फेल मालेंगे नहीं, सच्चाई बोल रहे भैया, डायलॉग नहीं है ये, कविता जो होता है ना रियलिटी पे, वही कविता बोले हैं। आपको शायद एक चारा चोरी से भैया बोले हैं, मैं बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे जनता में जो भी जेंट्स लोग हैं उनसे पूछ लिए, एक बार लेडीज से पूछ लीजिए, लेडीज का जवाब आता है उनका। एक मिनट, चारा चोरी से बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, पता है जब 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 ऊपर से जांच होने को आया तो मतलब पशुओं का चारा कहा गया, तो पता है जिसने गाली दिए थे लालू जी किसका निकला? टेम्पू का गाड़ी, टेम्पू का नंबर निकला, जो नंबर लिख के दिखाया हुआ था, 1750 करोड़ का चारा टेम्पू में लाद के गया, टेम्पू में 1750 करोड़ का चारा। एक आपका सवाल का जवाब गलती दे पाए, आप सवाल गलती पूछ रहे हैं, तेजस्वी या चिराग ये सवाल मत पूछिए, जब तक नीतीश हम खुद गड़बड़, आपका सवाल का जवाब गड़बड़ दे दिए, के बारे में पूछ रहे, युवा चेहरा? हाँ नहीं, युवा चेहरा नहीं, युवा चेहरा से मतलब नहीं है, जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार में स्वस्थ रहेंगे, तब तक CM के सामने, नीतीश जी के सामने अभी कोई नहीं है। हाँ, NDA उम्मीदवार नीतीश कुमार के सामने अभी कोई नहीं है, लेकिन हमने युवा चेहरा पे बात किया, युवा चेहरा जो दो नाम चल रहा है, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 25 में, अगर स्ट्राइक रेट लोकसभा की बात करें तो देखिए 100 में 100 चिराग पासवान को 5 सीट मिला था NDA गठबंधन में, वो 5 के 5 सीट जो है वो जीत चुके हैं, और साथ में बताया तो केंद्रीय मंत्री का भी जो है पदभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें कि हम क्षण पर थे और तमाम लोगों से हमने बातचीत किया कि आखिरकार किन्हें देखना चाहते हैं, तो सभी लोगों का कहना है देखिए चिराग पासवान जो पढ़े लिखे शिक्षित है स्मार्ट भी है, इन्हें रहना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।